जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा और पीडी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने पीडीपी और बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला के अनुसार महबूबा मुफ्ती पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करती थी, लेकिन अब वह कह रही है कि मोदी जी 56 इंच की छाती से 1 इंच जम्मू कश्मीर को दे दो। इससे पहले शनिवार को उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर भविष्य में राज्य में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदने के भी आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक अखबार की रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें लिखा था कि पीडीपी के विधायक भाजपा कमांड के संपर्क में हैं। राज्य में 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अनुच्छेद 370, 35A जैसे संवेदनशील मुद्दों का चुनाव के दौरान वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसे में किसी भी मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजेंद्र सिंह, वक्त इंडिया, जम्मू। जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हुकूमत बनाने की किसी भी तरह की कोशिशों में हम जो है अब कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि बस 28 आए, 20 आ गए, 21 आए, 22 आए, उनसे पूछिए ना कि एंटी डिफेक्शन कानून के तहत इस तरह की बात कैसे होगी। ये तो आप उनसे ये मैं नहीं कह सकता हूं। सर, पीडीपी के अंदर जिस तरह एक के बाद एक जो उनके विधायक हैं और नेता हैं वो बागी होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि पीडीपी टूट के कगार पे है? अभी तक तो सिर्फ 3 या 4 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात की, उससे ज्यादा तो है नहीं। और अगर के आपकी बात सही है कि पीडीपी के अंदर ये हालात हैं, तो ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनकी लीडरशिप को सुलझाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के बनाने में हमारा कोई हाथ रहा नहीं, पीडीपी के बिगाड़ने में भी हमारा कोई हाथ नहीं रहा। द क्योर फॉर ऑल दीज रूमर्स अबाउट हॉर्स ट्रेडिंग, ऑल दीज रूमर्स अबाउट ब्रेकिंग ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, all these rumors about formation of alternate government will all be solved with the dissolution of the assembly. We are not demanding immediate elections. We also understand that to create the climate conducive for elections in Kashmir will take some time, but at least in the meantime we can put an end to all this unnecessary and unseemly sort of rumor mongering. Let the assembly be dissolved and then we will continue.